हेलो एवं नमस्ते है, अस्सलाम वालेकुम दर्शक, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, आज की वीडियो लेकर आए हैं भाई हेल मार्च देखने वाले हैं। पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों का हेल मार्च देखेंगे। हाँ, परेड बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान की वीडियो आएगी। इमरान खान तब की वीडियो जब इमरान खान आ गया क्या बात। लेडीज भी आएगी, बाहर आ गया कहीं नहीं गोरी कम करना। से कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स फ्लाई पास का मुजाहिरा पेश करेंगे। क्या बात है, ओ वाओ, चलो शुक्र है पाकिस्तान को पहुंचते आ गए। हाँ अरे जैसे ही लग गए हैं पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन। Harpoon! 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 Harpoon!
ऐसा लगा। हाँ जी, इंडिया की भी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। लेकिन पता हाँ क्या बात है कि हमारे पास ना मतलब आर्मी हमारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन यार इंडिया में ना मैंने ये चीज देखी है कि वहां पे ना कोई हॉर्स वाला है, कोई कैमल वाला है, कोई मतलब बैंड वाला है, कोई मतलब हर एक का ना मतलब अपना एक नाम है, सिख रेजिमेंट है। तो हमारे यहाँ पे ना सभी एक जैसे ही आपको दिखेंगे, मतलब कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं नजर आ रहा था। तो इस वजह से यहाँ की जो आर्मी में ना मुझे कल्चर दिखाई दिया, या फिर उन्होंने हमारे वाले में इतनी लंबी वीडियो नहीं थी जिसमें वो सब कुछ हमें दिखा पाए, लेकिन यहाँ पे जो है भाई लेडीज, इस दफा जो है ना हमें लेडीज को ना उन्होंने बड़ा प्रमोट किया वहां, मतलब लेडीज का जो है ना देखा ना हमने कितने ज्यादा वो इस तरह से बाइक्स पे। तो ये चीज देख बंदे को वैसे ही बंदे को और रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, कहीं ये गिर ही ना जाए बाइक से। इतना हमें एक बाइक के ऊपर पांच पांच छह छह लड़कियां इस तरह से घूम रही है, ऊपर भी एक बैठी हुई। हाँ यार, ये तो जबरदस्त लगा मुझे। और हमारी लेडीज जो है ना वो मतलब सारे जो थे ना वो मतलब चल रहे थे, वो जिस तरह से वो करते हैं वो कर रहे थे। और भाई हम यहाँ पे ना इन्होंने हमी हर जो उनकी स्टेट है ना उनका जो है वहां के लोगों को बुलाया हुआ था, वो लोग अपना जो कल्चर दिखा रहे थे, गुजरात के हो गए, दिल्ली के, फिर कश्मीर के, फिर मगलिया, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से यार लोग आए हुए थे, वो अपना एक कल्चर दिखा रहे थे। फिर इंडिया ने जो अचीवमेंट हासिल की है ना हमें, तो वो सब कुछ उन्होंने अपने स्पेस, अपना साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, वो चीज लोगों को दिखाई। इस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है कि भाई हमारे कंट्री ने इतना कुछ अचीव किया हुआ है, तो बंदे का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम ये इस तरह से देखते हैं। और हमारी साइड पे भी हमने देखा भाई हमारी आर्मी वैसे अगर देखा जाए तो फिर भी बहुत कंट्रीज से बेहतर बेहतर है। आपको पता है हम अपने और कहीं पैसे लगाए ना लगाए, लेकिन हमने अपनी आर्मी पे बड़े पैसे लगाए हुए हैं। और हमारे जो आर्मी वाले आपने देखा भी कि फिट भी थे और सही भी लग रहे थे अपना उस ये उस टाइम की वीडियो जब ना इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और ये तब की वीडियो है। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे तो भाई दोनों की अच्छी वीडियो लगी है, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं ना वो अपनी जान कुर्बान बहुत अच्छा है हमारे लिए, आप सबके लिए। तो इस वजह से मुझे तो आर्मी वाले कभी बुरे नहीं लगे, क्योंकि वो अपना बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं, फिर वो कोई भी प्रॉब्लम हो उससे हमें निकालते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से कोई हेट नहीं किसी भी आर्मी वाले के, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी आर्मी वाला हो तो मुझे तो कोई भी बुरा नहीं लगता। सब अपना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, बड़ी मुश्किल से एक बंदा आर्मी वाला बनता है। हम तो बस देख बोल लेते हैं ना भाई ये ऐसे है वैसे है, लेकिन वो ऐसे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, और उसकी जान कभी भी जा सकती है, ये भी हमें अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए। तो सल्यूट है भाई लड़कियों को भी लड़कों को भी जो इतना मतलब सही बात है, सल्यूट करें इंडिया का भी। हाँ बिल्कुल, तो फिर मिलते हैं आपको एक और वीडियो में। कैसी